हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा और आप सभी का स्वागत है मनीषाज वर्ल्ड ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं आप सबके सामने आई हूं वास्तु के कुछ टिप्स लेकर के। और आज का विषय है किचन। जैसे किसी के दिल में उतरना हो तो उसके दिल में जाने का रास्ता उसका पेट होता है, वैसे ही हमारे हेल्थ के इश्यूज़ अगर कुछ होते हैं तो वो हमारी किचन से ही रिलेटेड होते हैं। इसलिए उन दोषों को हटाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। आइए मेरी किचन की ओर दोस्तों, हमारा किचन जो है वो ईस्ट फेसिंग है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और हमारा जो गैस स्टोव है ये भी साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है, जो कि बिल्कुल वास्तु रहित है। हमारा जो किचन है, आमतौर पे हमें किचन को साउथ ईस्ट कॉर्नर पे बनाना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही विराजमान होते हैं। तो अगर हमने वहाँ पे अपना गैस स्टोव रखा तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और खाना बनाते समय हमारा जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट की तरफ से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जो कि हमारे खाने में उसकी एनर्जी जो है वो आती है। इसलिए हमेशा हमारा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ हो। जो भी खाना पका रहा है अगर ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो ईस्ट से जो भी प्रॉस्पेरिटी मिलती है, जो भी पॉजिटिविटी मिल रही है, वो हमारे खाने में भी आता है। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, जगह नहीं है साउथ में और साउथ ईस्ट कॉर्नर पे बनाने के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप अपना किचन जो है वो बना सकते हैं, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप साउथ और साउथ ईस्ट का ही कॉर्नर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा हमारा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और अगर वेस्ट की तरफ होता है तो हमें वो हेल्थ इश्यूज लाता है। खाना बनाते समय अगर हमारा फेस वेस्ट की तरफ हुआ तो खाने के साथ साथ हमारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और साउथ की तरफ प्रॉपर अगर साउथ की तरफ हम फेस करके खाना बनाते हैं तो हमारे जो हैं कुछ पैसों में कुछ इश्यूज आते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि हमारा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। गैस स्टोव की तो जगह हमने बना ली कि गैस स्टोव हमें कहाँ रखना चाहिए। अब है कि किचन में हमें माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और जो कैबिन्स बने होते हैं, जैसे ये हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, अपने किचन के आइटम्स बने हुए थे, स्पाइसेस हैं या फिर जो भी अनाज हैं वो हमें रखने होते हैं, तो उसे हम कहाँ बनाएं? तो फ्रेंड्स, जो कैबिन बने होते हैं, जो भी कबर्ड्स बने होते हैं किचन में, उन्हें हमें साउथ की दीवार पे और वेस्ट की दीवार पे बनाना चाहिए। साउथ को जितना वजन दे सकते हैं उतना वजन दें, वो उतना ही अच्छा होता है। और किचन में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो होता है उसे हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। खाली सिलेंडर है आपके पास तो माइक्रोवेव, हमें माइक्रोवेव जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इसे हमें साउथ ईस्ट की वॉल पे रख सकते हैं, वेस्ट के पोर्शन में भी आप रख सकते हैं। कोई रेफ्रिजरेटर को हमें नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं और वेस्ट पोर्शन में भी रख सकते हैं। पानी के जो भी आइटम्स हैं, जैसे कि अगर हमें वॉश बेसिन लगाना है किचन में, सिंक है, बर्तन धोने की जो जगह है, तो उसे हमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और पानी का जो आर ओ होता है, आर ओ भी हमें नॉर्थ डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ में, और हमारे घर में जो है बरकत जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो पानी के सारे जो आइटम हैं आप इसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख सकते हैं। हमें साउथ की दीवार पे और वेस्ट की दीवार पे बनाना चाहिए। साउथ को जितना वजन दे सकते हैं उतना वजन दें, वो उतना ही अच्छा होता है। वही बात किचन में कौन सा कलर करवाना है, तो किचन जो है वो अग्नि स्थान का है, तो इसलिए किचन में हमें रेड, ऑरेंज, रोज कलर, येलो, ये सारे कलर्स आप करवा सकते हैं। इससे जो भी वास्तु दोष होते हैं वो भी हटते हैं। और अगर कोई कलर समझ में ना आए तो आप वाइट कलर करवा सकते हैं, वाइट से कोई इशू नहीं होता है। तो हम ये कलर जो है किचन में आसानी से करवा के उसके फायदे उठा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है
कि हम हमेशा अक्सर ऐसा करते हैं कि खाना बनाने के बाद हमने जो भी चीज़ें खाना बनाई हैं हम गैस स्टोव पर ही छोड़ देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना बनाने के बाद हमेशा उस बर्तन को वहाँ से हटा के उसकी जगह पे रखनी चाहिए, क्योंकि अग्नि का काम है खाने को पकाना, और खाना जब पक गया तो उसमें जो भी पौष्टिकता है वो तो बरकरार रहती है, और अगर हमने उस पर छोड़ दिया जो भी पौष्टिकता है वो वैसे ही निकल जाती। इसलिए खाना बनाने के बाद तुरंत गैस से उस बर्तन को उतार करके नीचे, वहाँ से हटा के आप नीचे रख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि किचन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जो भी इसके प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें क्लीन रखना चाहिए। क्लीन रखने से क्या होता है कि हमें भूख कम लगती है, जैसे कि हम अगर मैंने क्लीन नहीं है किचन हमारा और हम किचन में आते हैं तो हमें क्या लगता है, भूख का एहसास होता है, हर बार आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ खाने का ही मन होगा। तो इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो किचन को प्लीज ऑर्गेनाइज रखें, और इससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नए अपडेट्स हों आपको आसानी से मिल सकें। और जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो करें, क्योंकि हम हमारी बिजी लाइफ में हम अपने हेल्थ को अनदेखा कर देते हैं और इस वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग और ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। टेक केयर, बाय बाय।